कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मैं अपने चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ बबीता नीरज ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मतलब अभी मॉर्निंग का 6 बज रहा है तो अभी हम लोग मेरठ को निकल रहे हैं, जा रहे हैं मेरठ। और कैसे हैं आप सभी लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मैं हमने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग से ही, तो बने रहिएगा। दिखाते हैं, चलिए हम गेट बंद कर देते हैं अभी और चलते हैं नीचे। तो ये देखिए मैं ऊपर से मतलब नीचे आ गई थी और नीचे आई तब तक देवर जी चाय बना के रखे थे, आप लोग देख सकते हो। और वो ना मतलब चाय बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनाते हैं सच में, तो वो आज चाय बनाए थे मेरे लिए और मैं चाय पीने जा रही हूँ, उसके बाद निकलेंगे। तो ये मतलब ना बहुत मतलब ना ये इतने अच्छे तरीके से चाय बनाते हैं कि मतलब पी के मन खुश हो जाता है, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पर ये चाय बना के और मेरे से कह रहे थे पी लो, तो मैं इसको चाय को पीने जा रही हूँ। तो आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए और चाय पी के ही निकल जाएंगे हम लोग, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ तो भूख भूख भी नहीं है इस वजह से। तो यहाँ पे ये देखिए चाय छान रहे हैं और मैं भी बैठी थी पास में ही, तो सच में मतलब घर जाके ना बहुत ही मज़े आते हैं और बहुत ही अच्छा लगता है सच में, क्योंकि क्या होता हूँ मैं आपको बस बता नहीं सकती। तो ये देखिए चाय मेरी यहाँ पे और मैं चाय पीने जा रही हूँ। और इसके बाद जो है कि यहाँ पे ये ना मतलब इंजेक्शन लगवाना था मेरे को, तो यहाँ पे इंजेक्शन लगा रहे हैं मेरे बीच वाला देवर, मतलब ना सब रही देवर सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, बहुत सच में क्या बताऊँ मैं कि बस बता नहीं सकती। और यहाँ पर मैं इंजेक्शन लगवा लेती हूँ क्योंकि फिर यहाँ पर अभी तो और भी लगवाने हैं, वो मतलब साथ ले जाएंगे वहीं पर लगवा लेंगे, थोड़ी सी मतलब तबीयत ख़राब थी तो इस वजह से। तो ये देखिए यहाँ पे देवर ही डॉक्टर हैं और वो ये इंजेक्शन लगा रहे हैं देवर ही, और चाय भी मतलब देवर बना के दिए। देख सोचो कि कितने अच्छे देवर हैं कि मतलब भाभी कितनी अच्छा सेवा कर रहे थे। और सेवा क्या मतलब, बस थोड़ा सा अच्छा लगता है एक दूसरे को बस। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये देखिए यहाँ पर बाबू बैठा हुआ है, इधर मनी बैठा हुआ है। तो चलिए और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करा है मैंने, और पहुँच गए हम घर अपने। आप लोग देख सकते हो ये मेरा घर का नज़ारा, और मिलूँगी आपको थोड़ी बहुत देर बाद काम वाम करके। तो ये देखिए यहाँ पर जो हिसाब है सारा रूम वूम सब फैला पड़ा है, और बच्चे देखो आते ही कपड़े कैसे निकाल रहे हैं कि बस बच्चे, इनको भी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। देखो मेरे गोलू को आते ही वो कपड़े निकाल दिया। तो ये देखिए बेचारे बच्चे भी थक जाते हैं सच में, बहुत दूर का रास्ता पड़ जाता है। तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और मन्नू को देखो वो तो बस आके और कपड़े निकाल के ऐसे चलाया और बस लेट गया टीवी देखने के लिए। चलिए मिलूँगी थोड़ी बहुत देर में, तो बने रहिएगा, जाना नहीं है। तो कैसे गाइस, मैं आपसे अब मिल रही हूँ, और मतलब घर से आने के बाद और मतलब बात भी नहीं की थी क्योंकि थोड़ी सी मतलब ना मेरे को गाड़ी में प्रॉब्लम होती है, और मतलब बात भी नहीं कि। तो जैसे घर से मैं चली थी जब ब्लॉग स्टार्ट कर दिया था, फिर यहाँ पर आके मतलब बहुत ज़्यादा काम भी हो गया था और मेरी मतलब तबीयत भी थोड़ी सी ठीक नहीं है, तो इस वजह से। तो बस वैसे चलो अपने ब्लॉग का एंड कर देती हूँ क्योंकि ये ब्लॉग मतलब चला ही आ रहा था तो मैं इसका एंड भी नहीं की थी। और कैसे हैं और कैसा लगा मेरा ये छोटा सा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा है, बट मैं अभी ना मतलब मैं फ़ैन भी नहीं चलाई क्योंकि फिर आवाज़ करेगा थोड़ा सा इस वजह से। और ये देख सकते हो कितना ज़्यादा पसीना पसीना ऐसा लग रहा है जैसे कि कितना ज़्यादा मतलब ऑयल लगा रखा है, मतलब ना बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा। ये देखिए मैं मतलब ना कान वान के सब निकालती हूँ क्योंकि ना मेरे ना मतलब थोड़ा सा हैवी पहन लो ना तो मतलब दुखने लगती हैं, तो इस वजह से मैं अभी थोड़ा सा इनको रेस्ट कराऊँगी फिर उसके बाद। तो ये जो है कि अभी इसलिए निकाल दी थी मैं, मतलब मैंने झुमकी पहनी हुई थी तो घर गई थी तब, तो बट मैं आके ही निकाल दी थी। और थोड़ा सा मतलब गर्मी भी बहुत ज़्यादा तो थोड़ा ना मतलब मन नहीं करता गर्मी में, इसलिए तो मैं थोड़ा ना फ़ोन को ट्राइपॉड में लगा लेती हूँ, उसके बाद बात करती हूँ क्योंकि मतलब ये मेरा हैंड दुख रहा है। तो
फोन को मैंने ट्रैपॉड में लगा दिया क्योंकि ना मतलब हाथ दुख रहा था, वैसे भी साथ में ना ये लगा हुआ तो थोड़ा सा और ज़्यादा मतलब वो पकड़ने में वो हो रहा, वैसे ऐसे मतलब ना ऐसे जब ऐसे करते तो थोड़ा दर्द हो रहा बीच में, तो इस वजह से बस ये आज आज हो रहा है, शाम को निकल जाएगा। और इसकी वजह से ना मैं पता घर से आई थी ना तो मतलब चूड़ी भी नहीं पहन पाई थी क्योंकि मैं यहाँ से गई थी तो मैंने मतलब निकाल दी थी कि मतलब जब जब हुई तो तब पहनूँ नहीं तो फिर क्या होता है ना खराब हो जाती थी आटे वाटे में, तो फिर मैंने ये डाल ली थी घर पर और तब से यही डली क्योंकि ना तो ये इससे निकल ही नहीं रही थी, तो इस वजह से फिर मैं यही वाली पहन के आ गई थी, बल्कि किसी को कोई दिक्कत नहीं निकालना था ही नहीं, तो फिर मैं ये वाली ही पहन के और फिर मैं आ गई थी। और पता है मेरे देवर ना बहुत ही ज़्यादा वो करते हैं कि मेरे लिए जब मैं आई थी तो चाय भी बना के दी जैसे आपने देखा, और बहुत ही ज़्यादा सब हम लोग ना बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हैं, सब लोग जब घर पे जाते हैं मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो बताइएगा ये छोटा सा वीडियो मेरा कैसा लगा, और ऐसे आप सबको अच्छे अच्छे ब्लॉग मिलेंगे, और चलिए गाइस मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।